तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आइए 31 का जो है 5 मार्क्स का है उसका बी वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है बी वाले में, तो देख लीजिएगा यहाँ क्या है, पहले इसी से पढ़ लेते हैं। देखिए बी है, ये क्वेश्चन क्या है बी आर है 31 का। कंसीडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट 00 एंड ए कामा 0। इसका मतलब क्या है कि सेंटर दिया होगा तो सेंटर ओरिजिन पे 00 होगा और यहाँ पे 1,0 होगा। क्वेश्चन बोला है इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उसके मिडिल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। जस्टिफाई आंसर। एक तो ये हो गया कि अगर हम क्या करते हैं 00 A0 पर अगर कोई क्या करते हैं टू आइडेंटिकल चार्ज को अगर रखते हैं तो क्या पोटेंशियल हमारा जो है 0 हो, पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा मिड पॉइंट पे, या इसको आंसर बताना है, जस्टिफाई करना। ठीक है, तो अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है स्टेट द सिग्निफिकेंट निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, और उसी के साथ देखिए एक लगा क्वेश्चन आता है थ्री चार्जेस आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 2 मीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन को ऊपर नहीं लिखा हूँ तो करता हूँ। देखिए क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है तो उसके ही अकॉर्डिंग में चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बोला है कंसीडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट, फिगर की जरूरत नहीं है, मान ली यहाँ पे 1,0,0 हो गया और 1,0 हो गया और दो चार्ज क्यू एंड क्यू दोनों हैं, तो इसके मिडिल पे जो होगा यहाँ पे हमारा जो इसकी वैल्यू निकालेंगे E1 की जो वैल्यू होगी E1 की इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो गया Q/ हमारा कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस हमारी कितनी है तो यहाँ से यहाँ A है तो A/2 हो जाएगी। ठीक है, पहले की वैल्यू हो गई Q1 Q2/ कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/ तो इसका, ठीक है ना, ये हो गया। और इसका मतलब ये अब दूसरी वैल्यू जब लेंगे हम लोग तो 1/4πε0 Q/A/2 इसका स्क्वायर दूसरा होगा। ठीक है, एक का डायरेक्शन इस तरफ होगा, एक का डायरेक्शन होगा, इसलिए E = होगा E1 - E2 और यहाँ हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ मिडिल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू क्या होता है 0 होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, किसमें तो मिडिल में। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या पूछा है कि इज देयर अ पॉइंट ऑन लाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 होगा क्योंकि मिडिल पे निकालेंगे जितना इधर होगा उतना उधर होगा तो उसकी वैल्यू हमारी 0 होगी, पर पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ क्या होगा मिडिल में अगर एन से लिख लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ये लिखेंगे, और पोटेंशियल में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डज नॉट 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0 नहीं होता। ठीक है, एट मिड पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा मिड पॉइंट पे 0 नहीं होता है। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, अब उसके बाद लेना है हम लोग को वैल्यू। और तीसरा इसमें क्वेश्चन थर्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा मिडल पॉइंट 0 नहीं होगा मिड पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मिड पॉइंट पे 0 होगा। इसी में नेक्स्ट हमारा है कि स्टेट द सिग्निफिकेंट, निगेटिव सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, तो जो है निगेटिव साइन इन
इंडिकेट द अट्रैक्टिव फोर्स, क्या होगा? निगेटिव साइन का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कि अट्रैक्टिव फोर्स, जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसका मतलब होगा जो वैल्यू आएगी वो क्या है, निगेटिव में आएगी। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तब क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसी में हमारा है एक क्वेश्चन है, फिगर बना हुआ तो फिगर बना देते हैं। देखिए आगे ऐसे दिया है, यहाँ कितना 4+4 माइक्रो कूलाम है, या -5 माइक्रो कूलाम है, और यहाँ पे +2 माइक्रो कूलाम है, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पे एक बार, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ये फिगर है इसके साथ देख रहा है, स्टेट द सिग्निफिकेंट निगेटिव वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और नीचे क्या है, 3 चार्जेस आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2 दिया है। वैल्यू फिगर में 4 माइक्रो कूलाम, ये हमारी वैल्यू दे रखा है, ठीक है ना, आया समझ में। तो आपको तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो हम लोग करते क्या है, देखिए तो सबसे पहले निगेटिव वैल्यू क्या होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर निगेटिव वैल्यू देखें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की निगेटिव साइन का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करना है, तो यू इज इक्वल टू हम लोग अगर लेंगे इस फिगर के हिसाब से तो कितना हो जाता है, 1/4 πε₀, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ से हम लोग एक साथ लिखेंगे, मान लीजिए कितना हो गया, डायरेक्टली लिखते हैं 4 × −4/2, फिर यहाँ पे ये प्लस ले लेंगे, प्लस का यहाँ भी माइनस आ जाएगा, मान लीजिए कितना होगा 4 × ये माइनस हो गया यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ प्लस लोगे 4 × 2/2 हो जाएगा, तो ये वाला हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 πε₀, यहाँ होगा 16 − 16/2 − 8/2 + 8/2, इसको इससे काट देंगे हम लोग, और u इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ होती है, और यहाँ हो गया कितना 8, माइनस में ये कितना होगा 8, और इसको हम लोग बदलेंगे तो देखिए एक चार्ज का माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ होता है, दो चार्ज का मल्टीप्लाई है तो −6 × 12 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9 × 8 = 72 हो गया माइनस में, और यहाँ हो गया कितना 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हो गया माइनस कितना 3 हो गया, है ना, कितना हो जाएगा देखिए, तो 9 × 8 = 72 और माइनस कर दिया तो यहाँ पे −3 आ गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ अगर लगा देते हैं कितना 7.2 और 10⁻³ कितना होगा, यहाँ पे एक पॉइंट पीछे आ गया तो कितना हो जाएगा हमारा, तो −2 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी की जूल में, है ना। देखिए समझ में आया ना, ध्यान से देख लीजिए आप, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7.2 × 10⁻⁹ आ गई, 7.2 × 10⁻⁹ जूल में ये वैल्यू आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं, तो देख लीजिए आप ध्यान से।